वेलकम डियर स्टूडेंट, मैं फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का राइज स्मार्ट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और आज हम लोग बहुत बेहतरीन टॉप 25 क्वेश्चंस करेंगे। ये वे क्वेश्चंस होंगे जो आपके अपकमिंग एग्जाम में आपको एज इट इज देखने को मिल सकते हैं डियर। सो वेरी गुड मॉ, वेरी वेरी थैंक यू डियर, सभी लोगों का यहाँ पे शानदार स्वागत करता हूँ जुड़ने के लिए। और आज का सेशन बहुत ही धमाकेदार, बहुत ही शानदार होने वाला है, क्योंकि बहुत ही प्यारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए फ्रेम किए। बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आपके अपकमिंग एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे एसएससी जीडी के एग्जामिनेशन में। सो आई होप आप सभी लोग तैयार होंगे, रेडी होंगे बेहतरीन सेशन के लिए। तो स्टार्ट करते हैं डियर सेशन। मेरा नाम अजय कुमार मिश्रा है और मुझे यहां पर 12 प्लस ईयर का एक्सपीरियंस है जो कि मैं आपसे शेयर करने आया हूं डियर। सो क्या आप मेरे इस एक्सपीरियंस को गेन करने के लिए तैयार हैं, रेडी हैं? एक बार जल्दी से सभी लोग कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें डियर। आर यू रेडी? कैन वी स्टार्ट द सेशन? आर यू रेडी डियर? क्या आप सभी लोग तैयार हैं, रेडी हैं? जल्दी से रिप्लाई करें डियर, फटाफट से रिप्लाई करें कमेंट बॉक्स पे, ताकि हम लोग सेशन को जल्दी से स्टार्ट कर सके डियर। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। स्टार्ट करते हैं सेशन। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आपके अपकमिंग एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे डियर। सो स्टार्ट करते हैं। ये रहा क्लास का पहला क्वेश्चन, एक मिरर इमेज के ऊपर क्वेश्चन है। यहां पर टाइमर मैंने स्टार्ट कर दिया, 30 सेकंड का समय आपके पास। जल्दी से आंसर निकालिए और जल्दी से कमेंट बॉक्स पर अपना आंसर पुट कीजिए, फटाफट से। समय स्टार्ट हो चुका है डियर। देखो आपको एक बात समझनी पड़ेगी, मिरर इमेज में ना लेफ्ट वाले जितने भी एलिमेंट होते हैं वो राइट में जाते हैं, जितने भी राइट में होते हैं वो लेफ्ट में जाते हैं। तो हम अगर यहां पर ध्यान से देखें तो सबसे पहले जो इमेज हमें दिखाई देगी वो एच की दिखाई देगी, और जो एच है ना डियर यहां पर ऐसा है, सो 100% एच ऐसा बनेगा। अब डेफिनेट अगर देखूं जरा तो ये ऑप्शन 100% एलिमिनेट हो जाएगा डियर, है ना। अब हमारे पास सिर्फ तीन ऑप्शन बचे, उसके बाद एच के बाद हमको टू का इमेज दिखाई देगा कुछ इस तरह से डियर। अब अगर ध्यान से नोटिस करें तो ये वाला ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा डियर, फिर हमको नो दिखाई देगा, और नो का जो इमेज होगा वो 100% इस तरह से बनेगा डियर। ध्यान से देखो जरा, इसमें तो सेम हो गया, इसका मतलब ये ऑप्शन भी हट जाएगा डियर। सो यस, इस क्वेश्चन का परफेक्ट और सही आंसर बी है, क्योंकि 9 के बाद हमारा 4 बनेगा वो 100% ऐसा बनेगा, 4 के बाद डी का जो शेप है वो बी जैसा बनेगा डियर, और जो वाई का शेप है वो 100% कुछ इस तरह से बनेगा डियर, जो कि यहां पर दिया हुआ है। सो यस, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बी ऑप्शन। आई होप सभी को समझ में आया। लेफ्ट वाले जितने भी एलिमेंट होते हैं वो राइट में जाते हैं, तो यहां पर लेफ्ट में वाई दिख रहा है तो वो राइट में दिखाई देगा, राइट में दिखने वाला एच हमें पहले दिखाई देगा लेफ्ट में, इस तरीके से। सो यस, इसका ये प्रॉपर मिरर इमेज है। कट इट डियर ऑल, सभी को समझ में आया? वेरी गुड, चलो आगे बढ़ते हैं डियर। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। बहुत प्यारा लेटर सीरीज के ऊपर क्वेश्चन है। एक लेटर फिलर है यहां पे, आपको लेटर्स को फिल करना है और सीरीज कंप्लीट करनी है। तो समय स्टार्ट कर दिया, जल्दी से आंसर करो डियर, फटाफट से ध्यान से देखो क्वेश्चन को, ध्यान से नोटिस करो। देखो यहां पर सीरीज है, पैटर्न समझने की जरूरत है। जितनी जल्दी आप पैटर्न समझेंगे उतनी जल्दी आप ऐसे क्वेश्चन सेकंड्स में सॉल्व कर पाएंगे। सो ध्यान से देखिए, स्टार्टिंग का जो सीरीज है, स्टार्ट जिससे हो रहा है वो 100% ए है, मतलब स्टार्ट होने वाला लेटर 100% ए है। तो जहां भी स्टार्ट होगा वहां ए से स्टार्टिंग होगी, ये तो हमको समझ में आ रहा है पहली बात, है ना। हमको ये तो समझ में आ रहा है कि स्टार्टिंग लेटर हमारा ए है, हम को ये समझ में आ रहा है कि स्टार्टिंग लेटर हमारा ए है सीरीज का, और एंडिंग का जो लेटर है वो पी है 100%। अगर यहां पे पी पे खत्म हो रहा है तो यहां भी पी पे खत्म हो रहा है, यहां भी और यहां भी। सो पी के पहले यहां के लिखा है, उसके पहले डी लिखा है, ध्यान से नोटिस करना डियर। यहां पी के पहले तो के हर जगह हमको दिख रहा है, पी के पहले हमको के हर जगह दिख रहा है, लेकिन अगर ध्यान से नोटिस करें यहां पे ए के बाद बी बना हुआ है, तो डेफिनेटली यहां बी बनेगा डियर 100%, ए के बाद बी बना ही बना है। लेकिन अगर यहां ध्यान से नोटिस करें, यहां पे डी लिखा है डियर, ध्यान से नोटिस करो, यहां डी लिखा है और यहां एफ लिखा है, तो ये एक सीरीज चल रही है डियर, ये प्लस वन चल रहा है। सो डी प्लस वन ई हो जाएगा, और ई प्लस वन एफ हो जाएगा, और एफ प्लस वन जी हो जाएगा 100% यहां पर, 100% यहां पर जी आएगा। सो यहां पर जो लेटर्स मिसिंग थे वो है बी ई के जी, है ना, बी ई बी ई, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, बी ई के जी 100% इस क्वेश्चन का सही आंसर बी ऑप्शन होगा। सो क्वेश्चन नंबर 2
यू का बिल्कुल सही आंसर बी ऑप्शन है। क्या सभी बच्चों को ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? जल्दी से मुझे रिप्लाई करें, यस क्वेश्चन नंबर टू का बिल्कुल सही आंसर बी ऑप्शन। क्लियर टू एवरीवन? गॉट इट एवरीवन? चलो आगे बढ़ते हैं डियर, क्वेश्चन नंबर थ्री पे आते हैं डियर। ये रहा क्वेश्चन नंबर थ्री, एक बहुत प्यारा फिगो सीरीज का क्वेश्चन है, जल्दी से इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। यहां पर आपको एलिमेंट के मूवमेंट को ध्यान से नोटिस करना है, और वो अगर आपने नोटिस कर लिया तो सेकेंड्स में आंसर आएंगे। फटाफट से नोटिस करो, जल्दी से मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताओ फटाफट से। अच्छा एक बात ध्यान से नोटिस करना, अगर आप ध्यान से नोटिस करेंगे डियर, समय यहां पर समाप्त हो रहा है डियर, फटाफट से कोशिश करो। देखो ये जो एलिमेंट है ना, ये घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज। ध्यान से देखिएगा, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है ना, एंटी क्लॉकवाइज ये घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज ये घूम रहा है, और कितना डिग्री घूम रहा है? एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूम रहा है। मतलब पहले नॉर्थ देख रहा था, ध्यान से नोटिस करो, पहले नॉर्थ देख रहा था, 100% नॉर्थ देख रहा था पहले, फिर यही वाला डायग्राम हमारा वेस्ट देख रहा है, फिर यही वाला डायग्राम हमारा साउथ देख रहा है डियर। ध्यान से देखो, साउथ देख रहा है, 100% ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है डियर, है ना। 100% हमको समझ में आ रहा है कि ये कैसे घूम रहा है डियर, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है डियर। सो 100% अगला हमारा ईस्ट देखेगा, वो देख रहा है, सो फिर से ये नॉर्थ देखेगा। मतलब ये जो शेप है ये रिपीट हो जाएगा बिल्कुल एज इट इज। इसमें है डियर, बिल्कुल चलेगा, इसमें नहीं है डियर, क्योंकि इसके अंदर डियर ध्यान से देखो 1 2 3 लाइन बनी है और इसमें 2 ही लाइन है डियर, तो ये ऑप्शन कट जाएगा डियर। अब ध्यान से नोटिस करो, ये तो नीचे की तरफ हो गया, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अब ये वाला एक ऑप्शन हो सकता है और ये वाला एक ऑप्शन हो सकता है। अब हम इस एलिमेंट के मूवमेंट को देखेंगे, ये पहले साउथ देख रहा था, फिर नॉर्थ देख रहा है, फिर साउथ देख रहा है, फिर नॉर्थ देख रहा है, और एक एक पॉइंट डियर बढ़ रहा है। पहले यहां से यहां गया, ध्यान से देखो, फिर यहां से यहां गया, देखो जरा, फिर यहां से यहां गया 100%, अब यहां से उठ के यहां जाएगा और नॉर्थ की जगह अब ये पक्का साउथ देखेगा। यहां साउथ देख रहा है डियर, ये डायग्राम बिल्कुल सही है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। सो यस क्वेश्चन नंबर थ्री का बिल्कुल सही आंसर ए ऑप्शन। सो गॉट इट? यहां पर हर एक एलिमेंट का अपना एक रोटेशन है, अपना एक मूवमेंट है, वो आपको समझना है। अगर वो मोमेंट आप समझ गए तो आप ऐसे कोई भी क्वेश्चन का आंसर सेकंड्स में दे पाएंगे। गॉट इट डियर ऑल? वेरी नाइस। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। फटाफट से बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आएगा। बहुत प्यारा एनालॉजी है, 15 का रिश्ता 105 से है। सो 15 और 5 के रिश्ते को समझो, जैसा रिश्ता 15 और 105 का है वही रिश्ता 4 और 107 का होगा। अब आप सोच के बताइए यहां पर क्या रिश्ता हो सकता है, सोच के बताइए। देखो 15 की टेबल अगर आपको याद हो, 4 की टेबल अगर आपको याद हो, तो आप पक्का ऐसे क्वेश्चन सेकेंड्स में ढूंढ पाएंगे। बड़ा प्यारा सा लॉजिक है डियर, 15 × 7 करेंगे सो 100% 107 आएगा डियर, 105 आएगा डियर। ऐसे ही 4 × 7 करेंगे सो 100% 28 आएगा डियर, बिल्कुल आएगा डियर। ऐसे ही हम इसके साथ भी वही सेम चीज अप्लाई करेंगे क्वेश्चन मार्क में, 7 का गुणा करने के बाद हमारा 196 आएगा। इसका मतलब क्वेश्चन मार्क हमारा जो होगा वो होगा 196/7, है ना। अब अगर 196 को 7 से डिवाइड करोगे, है ना, 196 को अगर आप 7 से डिवाइड करने जा रहे हैं, तो आपको टेबल तो याद ही होगी, 7 × 2 = 14, 2 बार में जाएगा, 100% यहां 5 बचेगा, 6 × 7 = 28, 7 × 8 = 56, 100% यहां पर ये 28 बार में जाएगा। सो इनको सॉल्व करने पर 28 बनेगा, यस, जो नंबर यहां पर छूटा हुआ है, मिसिंग है, वो हमारा 28 होगा। यस इस क्वेश्चन का सही आंसर सी ऑप्शन। आई थिंक एवरीवन गॉट द क्लैरिटी, फटाफट से रिप्लाई करो, यस इस क्वेश्चन का सही आंसर 28 होगा। लॉजिक समझ में आ गया सभी को? एक बार जल्दी से रिप्लाई करें, फटाफट से क्लियर रिप्लाई करें, सभी को समझ में आ गया? पहले नंबर में 7 का गुणा किया तो दूसरा नंबर आया, 15 × 7 करेंगे तो 105 आएगा, 4 × 7 करेंगे तो 28 आएगा। ऐसे ही क्वेश्चन मार्क में, मतलब 28 में अगर 7 का गुणा करेंगे तो 196 आएगा, बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही आंसर सी ऑप्शन। गॉट इट डियर ऑल? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 4। फटाफट से इन वर्ड्स को डिक्शनरी ऑर्डर में जमाओ, डिक्शनरी में वर्ड्स देखते होंगे ना डियर, वैसे ही आपको अरेंज करना है।
जल्दी से ट्राई करें, फटाफट से ट्राई करें, समय स्टार्ट हो चुका है डियर। और ये समय जो है ना एग्जामिनेशन हॉल में ऐसे ही समय चलता है। अब अगर आपको क्लैरिटी लेनी है तो सोचना तो पड़ेगा। देखो एग्जामिनेशन निकालना टफ नहीं है, बट उसके लिए अप्रोच बनानी जरूरी है, और जिसकी जैसी अप्रोच बनती है उसका सिलेक्शन वैसे ही होता चला जाता है। लाइफ में सफलता पाना मुश्किल नहीं है, उसके लिए अप्रोच का मायने रखना है। अप्रोच कैसे आप डिस्क्राइब करते हैं इस पर डिपेंड करता है, आपकी सोच क्या है, मेंटालिटी क्या है, इस पर डिपेंड करता है आपका सिलेक्शन, है ना। अच्छा समय यहां पर समाप्त हो गया डियर, ध्यान से नोटिस करो, इन सारे वर्ड्स में जो फर्स्ट लेटर है ना वो सब कॉमन है, इन सारे वर्ड्स में सेकंड लेटर कॉमन है, इन सारे वर्ड्स को अगर ध्यान से नोटिस करें तो थर्ड लेटर जो है ना उससे कंपैरिजन बनेगा। अब यहां पर दो बार सी लिखा है, दो बार एस लिखा है, और दो बार टी लिखा है, और एक बार वाई लिखा है, तो डिक्शनरी के हिसाब से पहले दोनों एस जाएंगे, अभी दोनों एस चले जाएंगे डियर, तो एस के बाद आई और ओ है, सो डिक्शनरी पहले आई जाएगा, इसका मतलब पहला वर्ड जाएगा और फिर दूसरा वर्ड जाएगा, पहला और दूसरा वर्ड जा चुका है, अरेंज हो चुका है। सो देखो जरा पहला और दूसरा कहां पर है, है ना, हमारे ए ऑप्शन में है और हमारे सी ऑप्शन में है। उसके बाद डियर पक्की बात है कि टी जाएंगे डियर, अब टी भी चला गया, आर भी चला गया, ओ भी चला गया, अब ओ के बाद यहां पे एल और एन है, सो 100% एल जाएगा, तो चौथा वर्ड जाएगा, फिर पांचवा वर्ड जाएगा डियर, और लास्ट में ये वाई वाला वर्ड जाएगा, सो 100% इसका जो सही ऑर्डर होगा 1 2 4 5 3 1 2 4 5 3 यस सी इज अ करेक्ट आंसर, यस क्वेश्चन नंबर है ना 5 का सही आंसर सी ऑप्शन। आई होप सभी को क्लैरिटी के साथ क्लियर हुआ, ऐसे ही वर्ड्स को अरेंज किए जाते हैं, आप ऐसे कर सकते हैं, कर पाएंगे डियर सभी लोग, कर पाएंगे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया डियर। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, बहुत प्यारा कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन को फटाफट से सॉल्व करके देखो जरा, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होना चाहिए, जल्दी से कमेंट बॉक्स पर दीजिए आंसर फटाफट से। देखो आपके पास एक क्वेश्चन है, वहां पर एक वर्ड लिखा है डिजीज, है ना, और डिजीज को हमने ये लिखा, ध्यान से नोटिस करो, ये हमारे पास एक वर्ड है और इसको मैंने ये लिखा है, वर्ड क्या है डियर, डी आई एस ई ए एस ई, क्लियर है, और इसको मैंने क्या लिखा है डियर, ई, है ना डियर, ध्यान से नोटिस करो, ई के, है ना डियर, आगे वी ई ए एस ई, क्लियर है। तो जो लॉजिक यहां लग रहा है उसी लॉजिक को अप्लाई करके आप इस वर्ड का कोड मुझे बताइए, है ना। अब आपको कोड किसका बताना है, हेल्पफुल वर्ड है उसका कोड बताना है डियर, वर्ड क्या है, एच ई एल, ध्यान से नोटिस करो, एच ई एल पी एफ ओ यू एल। अब आप ध्यान से नोटिस करें, बहुत ध्यान से नोटिस करें, तो ई में बदलाव नहीं है, ए में बदलाव नहीं है, एस में बदलाव नहीं है, ई में बदलाव नहीं है, बदलाव सिर्फ इन तीन लेटर में है। सो डी का प्लेस वैल्यू 4 होता है और इसका प्लेस वैल्यू 5 होता है, 4+1 एक 5 हो जाएगा, इसका हमारा 9 होता है और इसका 11 होता है, ध्यान से नोटिस करो। सो 9 और 2 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, सिंपल सा कंसेप्ट समझ में आता है डियर मुझे, है ना, के का प्लेस वैल्यू 11 होता है डियर, 100% के का प्लेस वैल्यू 11, एस का 19 होता है और 19 में अगर 3 जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा। सो लॉजिक क्या चल रहा है डियर, 1 2 3 फिर सेम 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 सेम, है ना, तो यहां भी वही चीज, सेम चीज अप्लाई करेंगे डियर, हम लोग सेम चीज अप्लाई करेंगे डियर, मतलब इसमें H प्लस 1 ई प्लस 2 और L प्लस 3 और बाकी तीन चारों लेटर एज इट इज उतर जाएंगे डियर। सो पी एफ ओ, है ना, यू एल में कोई चेंज नहीं, एच प्लस 1 हमारा आई हो जाएगा डियर, E प्लस 2 जी हो जाएगा और L प्लस 3 ओ हो जाएगा। सो आई जी ओ, ध्यान से नोटिस करो, आई जी ओ इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, सिर्फ इसमें है। सो यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर सी ऑप्शन, आई जी ओ पी एफ ओ यू एल, यस क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर सी ऑप्शन। क्लियर टू एवरीवन, एवरीवन गॉट द क्लैरिटी ऑन दिस क्वेश्चन, कैन वी डू इट इन द रियल एग्जामिनेशन, क्या हम ऐसे क्वेश्चन कर पाएंगे एग्जामिनेशन हॉल में, आई थिंक यू ऑल कैन डू इट, बट उसके लिए प्रैक्टिस की जरूरत है और प्रैक्टिस करने से सफलता मिलती है। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज्यादा आप क्वेश्चंस लगाएंगे, जितनी आपकी अप्रोच पॉजिटिव होगी, उतनी जल्दी आपको सफलता मिलेगी। सफलता मुश्किल नहीं है, उसके लिए अप्रोच जागृत करनी पड़ती है, अप्रोच को समझना पड़ता है, और अप्रोच अगर एक बार बन गई तो हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, हम सिलेक्शन भी ले पाएंगे डियर। आई होप आप सभी लोग कर सकते हैं, वेरी गुड डियर। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 फटाफट से बताइए, एक क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है। यहां पर आपके सामने 4 ऑप्शन लिखे हैं, 4 में से 3 एक जैसे हैं और कोई एक अलग है, भिन्न है, डिफरेंट है, वो आपको चूज करना है। जल्दी से सोच करो फटाफट से, देखो नंबर्स को देखो, नंबर्स को सोचो और नंबर से आंसर निकालने की कोशिश करो, है ना। जैसे हमारे पास पहला नंबर लिखा हुआ है 6,
7, 8, ठीक है। और इसका रिलेशन 42 से है, कैसे बना है डियर, मतलब 6, 7, 8 से 42 कैसे बना, सोचो जरा ध्यान से सोचो। सो अगर आप सोच रहे हैं तो मैं आपकी हेल्प करूंगा यहां पर, 6 + 7 = 13, 13 + 8 अगर मैं इनको जोड़ दूं तो ये 21 हो जाएगा डियर 100%। देखो 6, 7, 13, 13, 8, 21, 21 को दो गुना कर दूंगा तो मेरा 42 आ जाएगा। ऐसे ही अगर मैं बी ऑप्शन के बारे में भी सोचूं, सो 5 + 4, 9 + 6, 15, और 15 को डबल कर देंगे तो 30 हो जाएगा डियर, ये लिखा है डियर, है ना। अगर हमने 2, 8 और 3 को जोड़ के देखा, सो 2 और 8 = 10, 3 = 13, और 13 का डबल किया बेटा तो 26 होता है, और यहां लिखा 28 है, इसका मतलब ये ऑप्शन डेफिनेटली अलग है। ध्यान से नोटिस करो, 1, 2 और 5 को जोड़ोगे, 1 + 2 + 5 जोड़ने पर डियर 8 आएगा, और 8 का दुगना कर दोगे सो 100% 16 हो जाएगा। इसका मतलब हमारा ए बी डी एक जैसा है, सी एक लौता ऐसा ऑप्शन है जो कि अलग है, डिफरेंट है। सो यस, इस क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर सी ऑप्शन। गॉट इट डियर ऑल, सभी को समझ में आया, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। फर्स्ट नंबर की सारी डिजिट्स को जोड़ने के बाद अगर उसे दुगना करोगे तो तुम्हारा दूसरा नंबर आएगा, ऐसा लॉजिक तुम्हारा ए में भी था, बी ऑप्शन में भी था, डी ऑप्शन में भी था, बट ऐसा तुम्हारा सी ऑप्शन में नहीं है। एक्चुअली में 2 + 8 + 3 जोड़ने पर 13 आता है, 13 × 26 होता है, बट यहां 28 लिखा है जो कि अलग है बाकी सबसे। सो यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर सी ऑप्शन। गॉट इट डियर ऑल, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। एक बहुत प्यारा नंबर सेट का क्वेश्चन है, यहां पर आपके सामने दो नंबर सेट लिखे और जो इनका रिलेशन है वैसे ही सेम रिलेशनशिप सेम कंसेप्ट के हिसाब से आपके सामने यहां 5, 4, 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन मैचअप कर रहा है, बिल्कुल इनके जैसा ही लॉजिक उसके पास है। सोचो जरा फटाफट से सोचो। देखो अप्रोच बहुत मायने रखती है और अप्रोच समय के साथ सुधरती भी है। अगर आप समय के साथ बेहतर होते चले जाएं तो सफलता आपके पास यूं ही आ जाएगी। सफलता मुश्किल नहीं है, बस समय के साथ इंसान को इंप्रूवमेंट करना पड़ता है और लोग इसको भूल जाते हैं। समय के साथ लोग इंप्रूव नहीं करते, जहां खड़े होते वहीं खड़े रह जाते हैं क्योंकि वो प्रैक्टिस नहीं करते, वो इंप्रूवमेंट नहीं लाते अपने अंदर, वो गलतियों से सीखते नहीं है। बट आप सीखेंगे डियर तो सफलता जरूर मिलेगी डियर। अच्छा ध्यान से नोटिस करो, 43, 34 और 387 नंबर दिया। देखो 387 बड़ा नंबर है दिया। अब कनेक्शन बनाने की कोशिश करो। सो 43 और अगर मैं ध्यान से नोटिस करूं 43, 34 और 387 के बारे में कनेक्शन देखूं जरा यहां पर, सो मुझे समझ में आ रहा है कि अगर मैंने पहले नंबर का गुणा कर दिया पहले नंबर और दूसरे नंबर के अंतर से, है ना, मतलब 43 का मैंने गुणा कर दिया 43 - 34 दैट इज 9 होगा, और 43 × 9 करेंगे सो 39 + 27 टू कैरी, 9 × 4 = 36 + 2 = 38, सो 387 आएगा जो कि यहां लिखा है डियर। ऐसे ही 13, 10 और 39 के साथ भी होगा, 13 का गुणा करना है, 13 - 10 मतलब पहला नंबर माइनस दूसरा नंबर, सो 13 - 10 करेंगे तो 3 आएगा, 13 × 3 करेंगे 39 आएगा डियर। तो ये सेम रिलेशनशिप फॉलो कर रहा है, बिल्कुल ऐसा ही सेम रिलेशनशिप कौन से ऑप्शन में है, सिर्फ ए ऑप्शन में है। सो पहला नंबर 18 है, उसका गुणा करना है 18 - 13 से, है ना। अब 18 का गुणा अगर मैं 18 - 13 करता हूं मतलब 5 आता है, 18 × 5 = 90 होता है। सो यस, इस क्वेश्चन का परफेक्ट और सही आंसर ए ऑप्शन। गॉट इट डियर ऑल, सभी बच्चों को समझ में आया, बस जल्दी से रिप्लाई करो डियर, फटाफट से रिप्लाई करो। गॉट इट एवरीवन, यस क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर ए ऑप्शन। क्लियर टू एवरीवन, जल्दी से मुझे बताएं, फटाफट से मुझे बताएं, क्या क्लास में बैठे हुए हर एक बच्चे को क्वेश्चन क्लियर है? यस, क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर ए ऑप्शन। गॉट इट डियर ऑल, आगे बढ़ूं क्या मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले डियर हम लोग, फटाफट से रिप्लाई करो, चले हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यहां तक की सारी बातें समझ में आई, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते, एक बहुत प्यारा नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, यहां पर नंबर्स को देखो, सेकंड्स में आंसर आएगा बट नंबर्स को देखना पड़ेगा। देखो अगर आपको टेबल याद है, स्क्वायर याद है, क्यूब याद है, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे ऐसे क्वेश्चन, सेकंड्स में आंसर आएगा, बट आपको देखना पड़ेगा, नंबर्स को सोचना पड़ेगा, नंबर्स के बीच का कैलकुलेशन देखना पड़ेगा, मतलब प्लस माइनस इनटू एंड डिवाइड शुड बी स्ट्रॉन्ग, मतलब आपका एक सिंप्लीफिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, माइंड बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि यहां पे क्या हो सकता है, लॉजिक क्या हो सकता है। प्रैक्टिस करने से और इंप्रूवमेंट आएगा डियर, जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे उतने ही हम बेहतर होंगे डियर, तो बात सच है ना। अच्छा ध्यान से नोटिस करो, 627 को अगर 619
के साथ रिलेट करूं मैं तो 627 में अगर मैं 8 घटाऊंगा तो 619 आएगा, और 619 में भी 8 घटाऊंगा तो 611 आएगा। डियर 100% ये -8 -8 चल रहा है। पहले टर्म का रिलेशन तीसरे से, तीसरे का पांचवे से, और दूसरे का रिलेशन हमारे चौथे से, और चौथे का रिलेशन हमारे छठे से। ध्यान से नोटिस करो, दूसरे टर्म में अगर मैंने 636 में 8 जोड़ दिया तो मेरा 644 होगा, और 644 में फिर 8 जोड़ दिया मैंने फॉर एग्जांपल तो 652 होगा, जो कि आगे लिखा है। तो यस, ये डेफिनेटली +8 और +8 का लॉजिक चल रहा है डियर। सो अल्टरनेट में -8 -8 चल रहा है, और अल्टरनेट में +8 और +8 चल रहा है। यस, ये जो क्वेश्चन मार्क मिसिंग है वो 644 होगा। यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर डी ऑप्शन। गॉट इट डियर, सभी को समझ में आया? वेरी नाइस, बहुत बढ़िया दिया। चलो आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। एक और नंबर सेट का क्वेश्चन है, यहाँ बहुत प्यारा क्वेश्चन है। लेट्स सी कितने लोग इस क्वेश्चन को क्रैक कर पाते हैं। जल्दी से फटाफट से ट्राई करो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। यहां नंबर्स को देखो, 78 13 30, कनेक्शन देखो, सोचो जरा, टेबल का कनेक्शन बनाने की कोशिश करो। टेबल का कनेक्शन है यहां पर, बहुत प्यारा कनेक्शन है, और कनेक्शन अगर बन गया तो सफलता जरूर मिलेगी। और वो कनेक्शन तब बनेगा जब आपको टेबल्स स्क्वायर क्यूब याद होंगे, जल्दी से बनेगा डियर रिलेशन, है ना। अच्छा ध्यान सोचो, 13 की टेबल में क्या 78 आता है? बिल्कुल आता है। सो अगर मैं यहां पर 13 और 30 को सॉल्व करके यहां पर 78 लेके आऊं तो बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। सो 13 और 30 का गुणा करने के बाद जो भी आया उसको मैंने 5 से डिवाइड कर दिया डियर। 6 से डिवाइड भी कर सकता हूं, 5 से भी डिवाइड कर सकता हूं डियर, ये तो अप्रोच है, समझ में आएगा। अब अगर 5 से डिवाइड कर रहा हूं तो 6 आएगा, है ना डियर। देखो 5 से डिवाइड कर रहा हूं, अगर मैं 30 को 5 से डिवाइड कर रहा हूं तो मेरा 6 आएगा। सो 13 × 6 होगा, और 13 × 6 का मतलब 78 होता है डियर। सो यहां पर एक बहुत प्यारा सा रिलेशन है। रिलेशन क्या है डियर? दूसरा नंबर मल्टीप्लाई बाय तीसरा नंबर डिवाइडेड बाय 5, है ना। लॉजिक क्या है डियर? दूसरा नंबर मल्टीप्लाई बाय तीसरे नंबर से किया और डिवाइड बाय 5 किया तो जो आएगा वो मेरा पहला नंबर होगा, फर्स्ट नंबर होगा। दैट इज अ लॉजिक, फर्स्ट नंबर होगा डियर, ये 100% दैट इज अ कनेक्शन। सो देखो जरा, बिल्कुल ऐसा ही कनेक्शन के साथ कौन सा ऑप्शन है डियर? यहां पे अप्रोच के साथ बढ़ेंगे हम लोग। सो बी ऑप्शन को अगर मैं ध्यान से नोटिस करूं, सो बन रहा है डियर बी ऑप्शन 70 × 20, मतलब दूसरा नंबर इंटू तीसरा नंबर डिवाइडेड बाय 5, है ना। अब 20 को 5 से कटेंगे तो 4 बार में जाएगा, तो 70 × 4 हो जाएगा, और 70 × 4 = 280 हो जाएगा। यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर बी ऑप्शन। क्लियर टू एवरीवन? क्या सभी बच्चों क्वेश्चन समझ में आया? मतलब दूसरा नंबर इंटू तीसरा नंबर डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो फर्स्ट नंबर आएगा। दैट इज अ लॉजिक, दैट इज अ कनेक्शन। गॉट इट डियर ऑल? वेरी गुड, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। बहुत प्यारा एनालॉजी है जो कि लैटर पर बेस्ड है। ध्यान से सोचो जरा, कनेक्शन देखो जरा, यहां पर एक ये वर्ड है और ये दूसरा वर्ड है, इन दोनों के बीच में कनेक्शन है। क्या कनेक्शन है वो सोचिए जरा, CHAISE, ठीक है। और इसको मैंने यहां पर अभी लिखा है ECHIASE, क्लियर है डियर? अब समझ रहे ध्यान से। ऐसे ही डियर हमारे पास एक दूसरा वर्ड था मॉड्यूल, MODULE, और उसको मैंने यहां पर लिखा है EOUDLM, ठीक है। सो इसी तरीके से मेरे पास ये तीसरा वर्ड है SLIDER, और इसको मैं क्या लिखूंगा डियर? सो अगर मैं यहां पे कनेक्शन ढूंढ पाया तो पक्का क्वेश्चन सॉल्व कर लूंगा डियर। अब कनेक्शन ढूंढना है डियर, ध्यान से नोटिस करना, कनेक्शन ढूंढो। देखो जरा, यहां पर A और I क्या हो गए? क्रॉस हो गए। H और S में कोई बदलाव नहीं है, और पहला वाला आखिरी में चला गया और आखिरी वाला हमारा पहले में आ गया। देखो जरा, यही हुआ है। यहां भी D और U को UL लिख दिया, O और L में कोई बदलाव नहीं है, M को यहां भेज दिया और E को यहां भेज दिया डियर 100%। सो वही चीज यहां भी करेंगे, तो I और D की जगह DI बन जाएगा 100%। L और E में कोई बदलाव नहीं होगा, और R उठ के यहां आ जाएगा और S उठकर यहां चला जाएगा। दिस इज अ रिलेशन। सो R, है ना, R L D, R L D I
आर एल डी, ध्यान से नोटिस करो, आर एल डी आई ई एस, यस इस क्वेश्चन का सही आंसर ए ऑप्शन है. गॉट इट डियर ऑल? एक बार जल्दी से मुझे बताएं, फटाफट से बताएं, क्या क्वेश्चन नंबर 11 सारे बच्चों क्लियर है? लॉजिक समझ में आया क्या? एक बार जल्दी से रिप्लाई करें, फटाफट से रिप्लाई करें. लॉजिक क्या है डियर? पहला नंबर आखिरी में चला गया, आखिरी नंबर पहले में आ गया, है ना. पहला नंबर आखिरी में चला गया और आखिरी नंबर पहले में आ गया और बीच के दो लेटर क्रॉस हो गए. सो डियर स्टूडेंट, क्या क्वेश्चन नंबर 11 समझ में आया? लॉजिक बहुत आसान था डियर. क्या लॉजिक था डियर? बीच के दो लेटर को क्रॉस कर दिया, तीसरे और चौथे को क्रॉस कर दिया, मतलब ए आई को आई ए लिख दिया, बीच के दूसरा लेटर और पांचवें लेटर को एज इट इज लिख दिया और पहले को आखिरी में, आखिरी को पहले में. सो यस, क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर ए ऑप्शन. गॉट इट डियर ऑल? सभी को समझ में आ गया होगा, आई होप क्लैरिटी के साथ क्लियर है. गुड, चलो आगे बढ़ते. सो क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं डियर. फटाफट से इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करो डियर. टाइमर मैंने स्टार्ट कर, लेटर सीरीज है डियर, यहां पर एक बहुत प्यारी सीरीज है डियर और उसमें एक लेटर क्लस्टर मिसिंग है. जैसे आपके पास लिखा क्या क्या है डियर? डब्ल्यू है ना डियर, ए वी आर पहला है, दूसरा लिखा हुआ है जेड एच जी और जी, तीसरा आपके पास मिसिंग है, चौथा लिखा हुआ है एफ वी सी के, क्लियर है, और पांचवा लिखा हुआ है आई सी एन जेड, है ना. अगर आपको लेटर्स की प्लेस वैल्यू याद हो तो आप पक्का ऐसे क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व कर लेंगे. प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए. जैसे देखो, एफ का प्लेस वैल्यू 6 होता है और 6 में 3 जोड़ेंगे तो 100% 9 आएगा. अगर हम इसकी बात करते हैं, सी का हमारे पास कितना प्लेस वैल्यू, तो 3, और 3 में अगर हम 11 जोड़ेंगे तो हमारा एन आएगा. और इसका प्लेस वैल्यू हमारा कितना होता है डियर? 100% 11 होता है, और 11 में अगर मैंने 15 जोड़ा तो मेरे पास जेड आएगा. तो मुझे समझ में आया कि ये चार चार के अंतर में बढ़ रहा है डियर, 3, 7, 11, 15. सो फर्स्ट टर्म टू फर्स्ट टर्म में +3 चल रहा है, फर्स्ट टर्म टू फर्स्ट टर्म में +3 चल रहा है, सेकेंड टू सेकेंड में +7 चल रहा है, थर्ड टू थर्ड में +11 चल रहा है और फोर्थ टू फोर्थ में +15 चल रहा है. सो जेड +3 करेंगे सो 100% सी आएगा, और सी +3 करेंगे सो 100% एफ आएगा डियर, है ना. एच +7 करेंगे तो ओ आएगा, ओ +7 करेंगे तो वी आएगा, जी +11 करेंगे सो 7 और 11 18 मतलब आर हो जाएगा, और 18 + 11 करेंगे तो सी आ जाएगा डियर 100%, और जी +15 करेंगे, है ना, सो 100% हमारा 7 और 15, है ना, कितना हो जाएगा डियर? 22, मतलब वी हो जाएगा डियर, 100% वी होगा, है ना. और अगर मैंने इसमें 15 जोड़ा तो के आए. किसी के दिमाग में डाउट हो सो वी की प्लेस वैल्यू में 15 जोड़ने पर के कैसे आएगा डियर, तो आपके डाउट को मैं यहां पे क्लियर करना चाहूंगा, क्योंकि बहुत अच्छा डाउट है डियर लोगों के दिमाग में. देखो, वी की प्लेस वैल्यू 22 होती है और 22 में अगर तुम 15 जोड़ोगे तो तुम्हारा 37 आएगा, और 37 तुम्हारा 26 से बड़ा, क्योंकि लेटर 26 ही होते हैं, तो कोई चीज बड़ी 26 से हो गया, 26 उसको माइनस कर दो डियर, सो 37 - 26 करेंगे तो 11 होगा, और 11 का मतलब के होता है डियर. दैट इज अ लॉजिक. गॉट इट डियर? सो सिंपल सी बात समझ में आई. फर्स्ट टू फर्स्ट में +3 चल रहा है, सेकेंड टू सेकेंड में +7 चल रहा है, थर्ड टू थर्ड में +11 चल रहा है, एंड फोर्थ टू फोर्थ में +15 चल रहा है. यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर सी ओ आर वी होगा, मतलब बी इज माय करेक्ट आंसर. क्लियर टू एवरीवन? यस, क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर बी ऑप्शन. क्लियर है सारे बच्चों को? एक बार जल्दी से रिप्लाई करो डियर, फटाफट से रिप्लाई करो. क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर बी ऑप्शन. क्लियर है सारे बच्चों? कोई दिक्कत तो नहीं डियर, कोई डाउट तो नहीं डियर? आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चले डियर. फटाफट से बताइए इसमें कितने सर्किल आपको दिख रहे हैं डियर, फटाफट से बताइए कितने सर्किल दिख रहे हैं डियर, फटाफट से आंसर दीजिए जल्दी से, क्विकली. बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आई होप जितने भी लोग सेशन में जुड़े हैं सभी लोग सेकेंड्स में आंसर दे पाएंगे. फटाफट से आंसर दीजिए, बताइए इस पूरे डायग्राम में कितने सर्किल आपको दिख रहे हैं डियर, फटाफट से बताइए. आंसर आ गए उन कुछ लोग के, बहुत बढ़िया. जिनके भी आंसर आ गए, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया डियर. अच्छा, ध्यान से नोटिस करो, आपको एक दिख रहा होगा, एक सर्किल ये दिख रहा है डियर, 100% दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, और ये दूसरा सर्किल दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा होगा, ये तीसरा सर्किल दिख रहा है, तीन सर्किल तो यहां पर दिख रहे हैं, ऐसे ये चौथा सर्किल हो गया, ये पांचवा सर्किल हो गया, और ये छठा सर्किल हो गया डियर, ये सातवां सर्किल हो गया, ये आठवां सर्किल हो गया, और ये नौवां सर्किल हो गया. सो 9 सर्किल तो हमें दिख गए. अगर मैं ध्यान से नोटिस करूं
तो एक ये अंडर सर्किल बन रहा है, ये दसवां ट्रायंगल सर्किल है डियर। सो पूरे इस क्वेश्चन में डेफिनेटली 10 सर्किल होंगे। यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर डी ऑप्शन। सो यस, क्वेश्चन नंबर 13 का बिल्कुल सही आंसर डी ऑप्शन। क्लियर टू एवरीवन? एवरीवन इन द सेशन गॉट द क्लैरिटी? कोई दिक्कत तो नहीं डियर? कोई डाउट तो नहीं है डियर? ओके गुड, चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। फटाफट से जाइए, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? समय स्टार्ट हो चुका है दिया, फटाफट से आंसर करें जल्दी से। क्वेश्चन नंबर हम बात कर रहे हैं 14 की, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा जल्दी बताइए, फटाफट से। समय स्टार्ट कर दिया मैंने। देखो 10 का रिलेशन 40 से है, अगर आपने 10 और 40 का रिलेशन समझ लिया तो आप पक्का क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। 10 और 40 का एक रिलेशन है ना, 14 और 112 का एक रिलेशन है। अच्छा, 14 की टेबल में 112 आता है क्या? अगर आ गया तो आप पक्का समझ जाएंगे डियर, लॉजिक को ऐसे ही समझा जाता है डियर। देखो 10 के रिलेशन में 40 कैसे आता है ना। सो अगर मैंने पहले नंबर को गुणा कर दिया पहले ही नंबर में है ना, 6 घटाकर फॉर एग्जाम्पल है ना। सो अगर मैंने पहले ही नंबर में फर्स्ट नंबर में गुणा कर दिया फर्स्ट नंबर माइनस 6, तो जो आएगा ना वो डेफिनेटली मेरा सेकेंड नंबर होगा। दैट इज माय सेकेंड नंबर, दैट इज अ लॉजिक। क्लियर? सो बताओ 10 गुणे 10 माइनस 6 मतलब 4, 10 गुणे 4 मतलब 40 है ना। सो यही चीज यहां पर भी है, देखो जरा 14 का गुणा करना है 14 माइनस 6 से है ना। 14 माइनस 6 करूंगा तो 100% 8 आएगा, और 14 गुणे 8 का मतलब 112 होता है। 14 की टेबल में 112 8 गुणे में आता है दिया। सो यही चीज 17 के साथ भी करेंगे दिया, हम लोग 17 का गुणा करेंगे 17 माइनस 6 से है ना दिया। अब 17 माइनस 6 मतलब 11, तो 17 गुणे 11 करेंगे सो 187 होगा। यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर ए ऑप्शन होगा। यस, क्वेश्चन नंबर 14 का बिल्कुल सही आंसर ए ऑप्शन। क्लियर टू एवरीवन? फर्स्ट नंबर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं फर्स्ट नंबर माइनस 6, जो भी होगा उसके हिसाब से, लॉजिक के हिसाब से। यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर ए ऑप्शन। सो यस, क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर ए ऑप्शन। क्लियर टू एवरीवन? एवरीवन इन द सेशन गॉट द क्लैरिटी? फटाफट से मैसेज करो, क्लियर है सारे बच्चों को? गुड, चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। फटाफट से जाइए, यहां पर आपके सामने एक डाइस है, उस डाइस के दो फेसेस आपको दिए हैं। अब आपको बताना है कि 6 के अपोजिट में क्या है, फटाफट से बताइए जल्दी से, क्विकली, सेकेंड्स में आंसर देने की ताकत आपके पास है। यू कैन मतलब आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं डियर, अभी जल्दी से फटाफट से आंसर दे। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देखो अगर लॉजिक को आप देखेंगे तो पक्का सेकेंड्स में आंसर आएगा। देखो ध्यान से नंबर्स को देखो, यहां पर एक डाइस के दो फेस दिए हैं, अगर दोनों डाइस को ध्यान से देखा जाए तो दो एलिमेंट कॉमन है, एक तो 7 कॉमन है और एक 8 कॉमन है। अगर एक साथ दो फेसेस कॉमन हो जाए डियर, सो पक्का रिमेनिंग एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, मतलब पक्का 6 का अपोजिट 9 होगा, 100% 6 का अपोजिट 9 होगा। और यहां 6 का अपोजिट पूछा है, यस 6 का अपोजिट 9। यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर सी ऑप्शन। क्लियर टू एवरीवन? फटाफट से जाइए, सारे बच्चों को समझ में आ गया? देखो यहां पर 7 और 8 कॉमन था, सो पक्का 6 का उल्टा 9 होगा। आपसे पूछ रहा था कि 6 का अपोजिट क्या होगा, यस 6 का अपोजिट 9। गॉट इट डियर ऑल? वेरी गुड, चलो आगे बढ़ते हैं। हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। बहुत प्यारा सा कैलेंडर के ऊपर क्वेश्चन है, सेकंड्स में आंसर देने की ताकत आपके पास है, आप कर सकते हैं इंडिया। सो डू इट वेरी फास्ट, फटाफट से करें जल्दी से, फटाफट से सोचिए, कनेक्शन बनाइए। देखो आपके पास ऑलरेडी एक बात दी हुई है, 12 जनवरी है ना दिया, 12 जनवरी 2019 को शनिवार है, ऐसा मैंने आपको बता दिया डियर, ठीक है। 12 जनवरी 2019 को सैटरडे है, ऐसा मैंने आपको बता दिया। तो अब आप मुझे बताइए 14 जनवरी 2021 को क्या होगा, है ना। सो एक सिंपल सा क्वेश्चन है डियर, अब 2019 से 2021 जाना है मुझे। सो एक बात तो समझ में आती है मुझे कि अगर मैं 12 जनवरी से 14 जनवरी जा रहा हूं, वो भी 19 से 21 जा रहा हूं, तो एक बात तो पक्का नोटिस कर रहा होगा कि यहां पर मैं देख पा रहा हूं कि टोटल 2 साल तो पक्का है ना, 2 ईयर्स तो पक्का होंगे। मतलब 12 जनवरी 2019 से 12 जनवरी 2021 में मेरे 2 साल पूरे हो जाएंगे, पर मैं 14 जनवरी तक जा रहा हूं, मतलब 2 दिन एक्स्ट्रा है दिया, ये 2 दिन एक्स्ट्रा जाएंगे दिया। 12 के बाद 13 भी आएगा, फिर 14 भी आएगा, तो 2 दिन एक्स्ट्रा हो गया दिया। अब इन 2 सालों में दिया कितने लीप ईयर होंगे दिया, ध्यान से नोटिस करो। सो एक लीप ईयर पड़ेगा 2020 है ना,
इसका मतलब यहां पर एक लीप ईयर है डियर। अगर यहां पर एक लीप ईयर है सो इसका मतलब बचा हुआ एक साल पक्का ऑर्डिनरी होगा, नॉर्मल साल होगा, 100% एक साल नॉर्मल होगा। तो एक साल लीप हो गया और एक साल नॉर्मल हो गया। अच्छा, एक लीप ईयर में कितने एक्स्ट्रा डेज होते हैं जल्दी से बताओ फटाफट से। एक लीप ईयर में हमारे दो दिन एक्स्ट्रा होते हैं, यहां से दो दिन एक्स्ट्रा निकल आया डियर, है ना 100%। और एक नॉर्मल साल में हमारा एक दिन एक्स्ट्रा निकलेगा, तो यहां पर हमारा एक दिन एक्स्ट्रा निकला और यहां हमारा दो दिन एक्स्ट्रा निकला। और आप बताइए दो दिन एक्स्ट्रा है भी डियर, सो दो प्लस एक प्लस दो मतलब टोटल एक्स्ट्रा डेज पांच है। सो अगर टोटल एक्स्ट्रा डेज पांच है तो आपको एक छोटा सा काम करना है, इसमें या तो पांच दिन जोड़ना है या दो दिन घटाना है, है ना। पांच जोड़ के भी वही बनेगा, दो घटा के भी वही बनेगा। सो सैटरडे में अगर पांच जोड़ेंगे तो भी हमारा थर्सडे होगा, और अगर सैटरडे में दो घटाएंगे तो भी हमारा थर्सडे होगा, क्योंकि ये साइकिल है। जितना जोड़ोगे भाई, देखो साइकिल सात दिनों की होती है, तो पांच दिन बढ़ के आगे जा रहे हो तो दो दिन पीछे आ जाओ, बात तो एक ही हो जाएगी, डेज तो साथ ही होते हैं दिया, है ना 100%। सो यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर थर्सडे होगा। यस, वी गो विथ सी ऑप्शन। सो यस, क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर सी ऑप्शन। क्लियर टू एवरीवन, जल्दी बताइए। यस, क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर सी ऑप्शन है, है ना। गॉट इट डियर ऑल। आगे बढ़ूं क्या मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ? चलूं डियर, फटाफट से जाइए अगले क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करो डियर। यहां पर भी एक ऑड वन आउट है, मतलब आपके सामने चार ऑप्शन दिए हैं और पक्का एक ऑप्शन अलग है, आपको वो बताना है जो ऑप्शन अलग आपको दिख रहा है डियर। फटाफट से बताओ, फटाफट से। टाइमर जो है वो मैंने स्टार्ट कर दिया, क्विकली आंसर दीजिए जल्दी से, क्विकली। देखो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, हमारे सामने ऑड वन आउट का क्वेश्चन है, चार ऑप्शन एक जैसे और एक अलग है, आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन एक जैसा है, कौन सा ऑप्शन अलग है, मतलब तीन ऑप्शन एक जैसे और एक अलग है, आपको ढूंढना है, है ना। अब देखो यहां पर 100 लिखा है और 7 लिखा है, 100 लिखा है और 7 लिखा है, है ना। 25 लिखा है और 4 लिखा है, कनेक्शन ढूंढो, है ना। 169 लिखा है और 10 लिखा है, है ना। और अगर ध्यान से नोटिस करो तो 64 लिखा है और 5 लिखा है। सो कनेक्शन ढूंढिए डियर, पक्का। समय यहां पर समाप्त हो चुका है डियर। वैसे देखो 7 में अगर 3 जोड़ेंगे तो 10 होगा, और 10 का स्क्वायर डियर 100 होता है, है ना। अगर 10 में 3 जोड़ दिया तो 13 होगा, और 13 का स्क्वायर डियर 169 होता है। 5 में अगर 3 जोड़ दें तो 100% कितना होता है डियर, 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8, 8 का स्क्वायर डियर 64। लेकिन 4 में अगर 1 जोड़ेंगे तो 5 बनेगा, और 5 का स्क्वायर 25 होता है। ये जो लॉजिक है वो बाकी सभी से अलग है, डिफरेंट है। सो यस, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हमारा सी ऑप्शन होगा। यस, दिस इज अ ऑप्शन, और ये ऑप्शन हमारा बी ऑप्शन है। सो यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर बी ऑप्शन। गॉट इट डियर, बड़ा सिंपल सा लॉजिक था। फर्स्ट सेकेंड नंबर में 3 जोड़ के उसका स्क्वायर करेंगे तो फर्स्ट नंबर आएगा, ऐसा मेरा ए ऑप्शन में भी था, सी ऑप्शन में भी था, डी ऑप्शन में भी था, बट ऐसा हमारे बी ऑप्शन में नहीं है। बी इज टोटली डिफरेंट, टोटली अलग। गॉट इट डियर ऑल, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17-18 की बात करते हैं। बहुत प्यारा सलॉग सा क्वेश्चन है, समय स्टार्ट कर दिया, जल्दी से सॉल्व करने दिया, फटाफट से बताएं इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएं फटाफट से। फटाफट से आंसर करो डियर, बहुत प्यारा सलॉग सा क्वेश्चन है। देखो कुछ स्टेटमेंट लिखे हैं और फिर कुछ कंक्लूजन लिखे हैं, आपको स्टेटमेंट पढ़ के डिसाइड करना है कौन सा कंक्लूजन फॉलो करेगा। जैसे स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है, पहला स्टेटमेंट लिखा हुआ है सारे पक्षी जितने भी वर्ड्स है ना वो सब हमारे तोते हैं। पहली इंफॉर्मेशन लिखी हुई है सारे बर्ड्स जो है, जितने भी बर्ड्स है ना वो सब हमारे एक तरीके से तोते हैं। पहली इंफॉर्मेशन लिखा है डियर, है ना, पहली इंफॉर्मेशन लिखा है। अच्छा, दूसरी इंफॉर्मेशन क्या लिखा है, कोई भी तोता हमारा कौवा नहीं है, है ना, कोई भी तोता हमारा कौवा नहीं है, है ना। तीसरी बात क्या लिखी हुई है, कुछ जो उल्लू है वो हमारे कौवा है, है ना, कुछ उल्लू जो है वो हमारे कौवास है, ऐसा मैंने आपसे कहा। अब कंक्लूजन, कुछ तोते हमारे उल्लू हैं। अब तोते हमारे उल्लू हैं वो तो दिया नहीं गया, इसका मतलब ये डाउट में है, है ना, ये डाउट में है, मतलब ये डाउट में है, मतलब ये फॉलो नहीं करेगा। दूसरा, कोई भी कौवा हमारा बर्ड नहीं है, कोई भी कौवा हमारा पक्षी नहीं है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सारे बर्ड्स तो तोते हैं और तोते कौवे नहीं है, तो बर्ड भी कौवे नहीं होंगे, कौवे भी बर्ड नहीं होंगे, 100% नहीं होंगे, इसका मतलब ये वाली बात डेफिनेटली ट्रू है, 100% ट्रू है, 100% फॉलो करने वाली है।
तीसरी बात, कोई भी उल्लू पक्षी नहीं है। अब उल्लू पक्षी नहीं है, है ना, ये तो पता ही नहीं डियर होगा कि नहीं होगा, इसका मतलब ये भी डाउट है। मतलब हमारा पहला भी डाउट है और तीसरा भी डाउट है, फॉलो सिर्फ दूसरा करेगा, ये सिर्फ दूसरा फॉलो करेगा। यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर सी ऑप्शन। क्लियर टू एवरीवन? एवरीवन इन द सेशन गॉट द क्लैरिटी? बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन था, बड़ा प्यारा सा कनेक्शन था, समझ में सभी को आया क्या? बस जल्दी से रिप्लाई करो डियर, फटाफट से रिप्लाई करो, गॉट इट डियर ऑल? इसमें सिर्फ दूसरा फॉलो करेगा, गॉट इट डियर? आगे बढ़ सकता हूं? यस, क्वेश्चन नंबर 18 का बिल्कुल सही आंसर सी ऑप्शन। क्लियर टू एवरीवन? आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 19 में चले हम लोग डियर। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। फटाफट से, एक मैथमेटिकल ऑपरेशन के ऊपर क्वेश्चन है। यहां पर कौन सा बेस्ट ऑप्शन है जो कि यहां पर पुट होगा और इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी? बैलेंस हो जाएगी। बैलेंस होने का मतलब मेरा लेफ्ट हैंड साइड जो है वही मेरा राइट हैंड साइड हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, है ना। अब किस ऑप्शन में बैलेंस हो रहा है वो आपको चेक करके देखना है, है ना। अब ऐसे ऑप्शंस में, ऐसे क्वेश्चन में ना, ऑप्शन को पुट करने से ही इक्वेशन बैलेंस होती है, ये बात तो पक्का है। बट कभी कभी आप एलिमिनेशन लगा सकते हो, सोच सकते हो। जैसे यहां सोचो, डिवाइड का साइन अगर तीसरी जगह हम पुट करें डियर, है ना, सो एक दो तीन, तो क्या 40 कभी 63 को डिवाइड कर पाएगा? कभी नहीं कर पाएगा। इसका मतलब सी और डी को चेक करने की हमको जरूरत भी नहीं है, हमें सिर्फ ए और बी को चेक करना है डियर, हम सिर्फ ए और बी को चेक करेंगे। अब अगर मैं बी ऑप्शन की बात करूं, तो यहां पर गुणा हो रहा है 63 और 92 का, इतना बड़ा नंबर आएगा कभी बैलेंस हो ही नहीं पाएगा। इसका मतलब बी ऑप्शन को भी चेक करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप ए ऑप्शन को चेक करो डियर। ए ऑप्शन कहता है 75, पहला साइन डिवाइड है डियर, 75 डिवाइडेड बाय 25 इनटू 40, है ना डियर, ध्यान सुनना भी, इनटू 40 प्लस 63 माइनस 92 इज इक्वल टू 91, है ना। अब अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास रूल हम पहले क्या सॉल्व करेंगे? अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास रूल हम पहले डिवाइड सॉल्व करेंगे। सो 75 को 25 से डिवाइड करेंगे, सो 100% तीन बार में जाएगा, 3 × 40 करेंगे, सो 120 आएगा डियर 100%, और उसमें अगर 63 जोड़ेंगे सो 183 हो जाएगा डियर, और 183 में अगर 92 माइनस करेंगे, 183 में अगर हम 92 माइनस करेंगे डियर 100%, 183 में, भाई ये 63 लिखा है डियर, है ना, थोड़ा सा 3 मुड़ गया था इसने मिटा दिया डियर, अब ये 183 हो जाएगा। 183 में अगर 92 माइनस करेंगे सो यस वो 91 आएगा, और वो हमारे इस 91 के बराबर है 100%। सो यहां पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड 100% बराबर हो गया, बैलेंस हो गया। सो यस, इस क्वेश्चन का, यस इस क्वेश्चन का परफेक्ट और सही आंसर हमारा ए ऑप्शन होगा, ए इस perfectly correct answer. Got it dear all? Yes, question number 19 का बिल्कुल सही answer A option. Clear है सारे बच्चों को? Very good. चलो आगे बढ़ते हैं dear. Question number 20 की बात करते हैं. फटाफट से इस question को देखिए और जल्दी से answer दीजिए. बहुत प्यारा question है. ये analogy का एक question है dear. ध्यान से समझना. हमारे पास ये दो word है. इन दोनों के बीच में एक relation है. जो relation इन दोनों के बीच में है, वही relation इन दोनों के बीच में होगा और वही आगे भी होगा. अब ध्यान से देखो जरा क्या लिखा है dear. M A D E. हाँ dear, ये तो लिखा है. और M A D E को लिखा है J X A B, है ना। ऐसे ही R U L E को लिखा है O R I D, है ना। सो ऐसे ही G O A L को क्या लिखेंगे डियर? सो अगर लेटर्स की प्लेस वैल्यू याद है, सो आप सेकेंड्स में आंसर देने की ताकत रखते हैं। M माइनस 3 J होता है, A माइनस 3 X होता है, D माइनस 3 A होता है, E माइनस 3 B होता है। ऐसे R माइनस 3 O, U माइनस 3 R, L माइनस 3 I और E माइनस 3 B। सो ऐसे ही G माइनस 3 हमारा D हो जाएगा, O माइनस 3 हमारा L हो जाएगा, A माइनस 3 X हो जाएगा और L माइनस 3 I हो जाएगा। सो D L X I इज my करेक्ट आंसर। यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर A ऑप्शन। सो यहां पर माइनस 3 माइनस 3 माइनस 3 माइनस 3 चल रहा था। अगर लेटर्स की प्लेस वैल्यू याद है तो सेकेंड्स में आंसर आप दे सकते हैं डियर। गॉट इट डियर ऑल? वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं डियर, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। फटाफट से इस क्वेश्चन को जल्दी से देखें जरा, फटाफट से बताएं इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। जितने भी लोग सेशन में जुड़े हैं फटाफट से आंसर दें डियर, जल्दी से, क्विकली।
समय स्टार्ट हो चुका है और ये भी एक मैथमेटिकल ऑपरेशन के ऊपर क्वेश्चन है। यहां पर भी आपको कोई साइन पुट करना है और इक्वेशन को बैलेंस करना है, मतलब जितना आपका लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है उतना ही आपका राइट हैंड साइड भी आना चाहिए। सो यहां पर पहली बात तो ऑप्शन का एलिमिनेशन हम लोग यूज करेंगे डियर, है ना, और ऑप्शन एलिमिनेशन से हम डेफिनेटली ऐसे क्वेश्चन को सेकेंड्स में सॉल्व कर सकते हैं। आपको एक ऑप्शन बिल्कुल सही होगा डियर, है ना। अगर मैं डी ऑप्शन को देखूं तो क्या 17 कभी 3 से डिवाइड हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, इसका मतलब इसको तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है डियर। अच्छा 42 14 से डिवाइड हो जाता है, ये ऑप्शन हो सकता है, है ना। अगर 48 और 42 का गुणा कर दिया तो कभी कोई बैलेंस कर पाएंगे डियर? नहीं कर पाएंगे, तो इसको तो चेक करने की जरूरत नहीं है डियर। अब 42 और 14 का मल्टीप्लाई करने पे इतना बड़ा नंबर आएगा जो कभी बैलेंस नहीं हो पाएगा डियर, सो इसको भी चेक करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट सी ऑप्शन आप चेक करके देखिए डियर, है ना। सो सी ऑप्शन कहता है पहले दो नंबर में गुणा होगा, है ना। सो 17 × 3 -48 इज इक्वल टू 42 डिवाइडेड बाय 14। अब 42 को 14 से डिवाइड करेंगे तीन बार में जाएगा, 17 हमारा 51 होगा, और 51 में अगर 48 माइनस करेंगे सो 3 आएगा, और 3 = 3 इक्वेशन बैलेंस हो गई, है ना। 100% इस क्वेश्चन का सही आंसर सी ऑप्शन। क्लियर टू एवरीवन? एक बार जल्दी से रिप्लाई करें दिया, फटाफट से रिप्लाई करें, क्या सभी बच्चों क्वेश्चन क्लियर हो गए? यस, क्वेश्चन नंबर 21 का बिल्कुल सही आंसर सी ऑप्शन। यस 3 = 3 इक्वेशन बैलेंस हो गई, सी ऑप्शन एक लौटा ऑप्शन है जिसको पुट करने से हमारी इक्वेशन बैलेंस हो रही है। गॉट इट डियर? सभी को समझ में आया? आगे बढ़ू डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले डियर? ओके चलो आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 22 फटाफट से बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। जल्दी से, पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग क्वेश्चन है। यहां पेपर को फोल्ड किया गया है, फिर कट किया गया है, फिर ओपन करेंगे तो पेपर कैसा दिखाई देगा डियर, है ना। सोच के बताओ, फटाफट से बताइए जल्दी से, है ना। पेपर को यहां पर दो बार फोल्ड किया गया है ना, जैसे ये एक बार पेपर को फोल्ड किया गया और ये दूसरा फोल्ड और ये तीसरा फोल्ड, है ना, और फिर यहां पर दो कट किए गए। अब जब कट को ओपन करेंगे तो पेज कैसा दिखाई देगा? तो पहले तो हम उसी कट को ओपन करेंगे जो मतलब एक तरीके से उसी फोल्ड को ओपन करेंगे जो हमने लास्ट में फोल्ड किया था, तो हम पहले इन दोनों को ओपन करेंगे 100%। सो इस तरह का हमको शेप तो कभी दिखेगा नहीं डिया, ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। इस तरह का बीच में कभी स्क्वायर तो आएगा नहीं डिया, मतलब एक तरीके से चार साइड का डायग्राम तो आएगा नहीं डिया, तो ये ऑप्शन तो वैसे भी लिमिट हो गया, है ना। अब इस तरह गैपिंग तो है नहीं डिया, प्रॉपर कांस्टेंट डिवाइडिंग है डिया, प्रॉपर कांस्टेंट एक तरीके से पैटर्न बनेगा डिया 100%। यस, इस क्वेश्चन का परफेक्ट और सही आंसर बी ऑप्शन, सेकंड्स में आंसर आएगा, है ना। यस, बी इज माय करेक्ट आंसर। गॉट इट डियर ऑल? सभी को समझ में आ गया? गॉट इट डियर? कोई दिक्कत तो नहीं है? गुड, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 फटाफट से बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। जल्दी से क्विकली देखो, आपके पास एक वर्ड है अंडर, ठीक है, और उस वर्ड को आपने यहां पे क्या लिखा है डियर, ध्यान से देखो जरा, है ना, UNDER, ठीक है, UNDER को मैंने यहां पर लिखा है WLOFOCT, ठीक है। उसी तरीके से LOFOTY को क्या लिखेंगे डियर, जल्दी से बताओ फटाफट से, जितने भी लोग सेशन में जुड़े हैं फटाफट से मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होना चाहिए। लॉजिकली सोचो जरा, है ना, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। देखो, अगर हमने W U में दो जोड़ दिया तो W आ जाएगा, W में N में दो घटा दिया तो L, D+2F E-2C और R+2T, सो +2 -2 +2 -2 +2 -2 चल रहा है दिया। सो ऐसे ही L+2 करेंगे तो N आएगा, है ना, O-2 करेंगे 100% तो M आएगा, है ना, F+2 करेंगे 100%, देखो F का प्लेस वैल्यू 6 होता है, 6 में 2 जोड़ेंगे तो H हो जाएगा, T-2 करेंगे तो R हो जाएगा, और Y+2 करेंगे तो A हो जाएगा। दिस इज योर करेक्ट आंसर, NMOH NMOH RA। यस, वी गो विथ बी ऑप्शन। यस, क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर बी ऑप्शन। गॉट इट डियर ऑल? क्वेश्चन नंबर 23 क्लियर है सभी को? यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर बी ऑप्शन। क्लियर है सारे बच्चों को? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? +2 - 2 का लॉजिक चल रहा है। गॉट इट डियर ऑल? आगे बढ़ू, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है डियर? गुड, चलिए, ओके। सो बहुत बढ़िया डियर, फटाफट से इस क्वेश्चन का जल्दी से आंसर बनाओ, जल्दी से सेकंड में। बहुत प्यारा सा एक मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है डियर, बिल्कुल मैथमेटिकल ऑपरेशन के ऊपर क्वेश्चन है, और यहां पर सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन यूज होगी, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन, नथिंग एल्स, कुछ भी नहीं है डियर इस क्वेश्चन में, है ना। फटाफट से बताइए,
समय स्टार्ट कर दिया। देखो यहां पर बोल रहा है ए का मतलब प्लस है, बी का मतलब इनटू है, सी का मतलब माइनस है और डी का मतलब डिवाइड है। तो जितनी बार डी आएगा उतनी बार हम लोग डिवाइड यूज करेंगे, ठीक है भैया। चलो जल्दी से सॉल्व करो फटाफट से। देखो यहां पर ए का मतलब हमारा प्लस था, तो ए का मतलब प्लस है, बी का मतलब इनटू है, तो 17 × 4 हो जाएगा डियर, है ना, और ये ब्रैकेट के अंदर रहेगा डियर 100%। फिर ए आया, ए का मतलब प्लस हो जाएगा, फिर आगे 29 × 3 हो जाएगा डियर 100%। और फिर सी आया, सी का मतलब माइनस हो जाएगा और डी का मतलब डिवाइड, 25 / 7 हो जाएगा डियर, 17 हो जाएगा, है ना। फिर ए का मतलब प्लस 26 और फिर सी का मतलब हमारा माइनस 13 और फिर ए का मतलब हमारा प्लस 52। दिस इज अ सिंपल कैलकुलेशन, ठीक है। अब यहां पर जल्दी से सॉल्व करो डियर। देखो 17 × 4 करेंगे तो 68 आएगा डियर, है ना, 17 × 4 करेंगे तो 68 आएगा डियर 100%, और 27 × 3 करेंगे, 29 × 3 करेंगे तो 87 आएगा डियर, है ना। 85 में अगर 17 को डिवाइड करेंगे तो 5 बचेगा, और ये 26 में 13 जाएगा तो 13 बचेगा, और प्लस 52 बचेगा डियर, यही बचेगा डियर, है ना 100%। अब बताओ 82 में 5 जाएगा तो 87 में 5 जाएगा तो 82 बचेगा, 68 प्लस 82, है ना डियर, प्लस ये 613 प्लस 52 65 हो जाएगा, है ना डियर। अब बताओ 8 × 2 = 10, 5 × 15 एक कैरी हो जाएगा डियर, 6 × 4 = 14, 14 × 6 = 20 और एक कैरी 21, तो 215 यहां पर कैलकुलेशन करने पर आएगा। यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर सी ऑप्शन, 24 का बिल्कुल सही आंसर सी ऑप्शन, गॉट इट डियर ऑल। बड़ा सिंपल सा कैलकुलेशन था, ऐसे क्वेश्चन तो पक्का आप लोग एग्जामिनेशन हॉल में कर पाएंगे, गॉट इट डियर ऑल, कोई दिक्कत तो नहीं हुई डियर, गुड। चलो आगे बढ़ते हैं, बहुत प्यारा सा मिरर इमेज से क्वेश्चन है, सेकंड्स में आंसर आना चाहिए, जल्दी से आंसर बताओ फटाफट से, समय स्टार्ट हो चुका है डियर फटाफट से, है ना, सेकंड्स में आंसर आने चाहिए डियर। आई होप सभी लोग इस क्वेश्चन को पक्का कर सकते हैं डियर, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है डियर। देखो एक बात तो समझ में आती है, जो पहला वाला एलिमेंट होगा वो लास्ट में जाएगा और लास्ट वाला पहले आएगा, तो सबसे पहले हमको डी दिखाई देगा। अब डी जो है ना यहां पर नहीं दिख रहा और यहां पर नहीं दिख रहा, इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन गलत हो गए डियर। अब इन्हीं दोनों ऑप्शन को आपको चेक करना है, डी के बाद एफ जाएगा डियर 100%, डी के बाद एफ जाना चाहिए, ध्यान से देखो जरा, सॉरी डी के बाद हमारा 6 जाना चाहिए, है ना, 6 का इमेज जाएगा, सॉरी माय मिस्टेक, है ना, डी के बाद हमारा, है ना, 6 का इमेज जाएगा, और 6 का जो इमेज बनेगा वो 100% कुछ इस तरह से बनेगा डियर, 100%, और ऐसा तो नहीं बनेगा डियर, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। सो यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर सी ऑप्शन, डी के बाद 6 के बाद हमारा ई बनेगा डियर 100%, ई के बाद 7 बनेगा 100%, 7 के बाद एफ बनेगा डियर 100%, और एफ के बाद 8 बनेगा। सो यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर सी ऑप्शन होगा, गॉट इट डियर ऑल, सभी बच्चों को समझ में आया डियर। सो क्या हम ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में कर पाएंगे डियर, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, समझ में आया सभी को? सो बिल्कुल, ऐसी ही क्लास अगर आप चाहते हैं, आप चाहते हैं आपका कंसेप्ट और बेहतर हो जाए, तो सुबह 9 बजे वाले सेशन में आप रेगुलर ज्वाइन कीजिए। सुबह 9 बजे हम लोग रीजनिंग की हर एक चीज को प्रॉपर टॉपिक वाइज डिस्कस करते हैं। अगर आपने उस सेशन को ज्वाइन कर लिया टॉपिक वाइज सुबह 9 बजे, सो रीजनिंग की कोई दिक्कत नहीं होगी, इट्स माय गारंटी, इट्स माय प्रॉमिस, बट आपको जुड़ना पड़ेगा डियर सेशन में, है ना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई सेशन डियर, बिल्कुल आप रेगुलर जुड़िए। अभी हम लोगों ने अल्फाबेट खत्म किया है डियर और कोडिंग डिकोडिंग स्टार्ट करने वाले हैं फ्रॉम मंडे, सो बिल्कुल मंडे से आप जुड़िए और बेहतरीन रिजल्ट के साथ आगे बढ़ते हैं डियर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई सेशन डियर, इट्स माई ग्रेट प्लेजर टू टीच ऑल ऑफ यू डियर, है ना। आप सभी लोग हमसे जुड़ते रहिए और बेहतरीन फायदा उठाते रहिए, तो सुबह 9 बजे रीजनिंग के लिए जुड़िए और बेहतरीन फायदा उठा के जाइए डियर। सो थैंक यू डियर फॉर वॉचिंग माई सेशन, इट्स माई ग्रेट प्लेजर टू टीच ऑल ऑफ यू डियर, थैंक यू डियर।